ये जुबली का पहले वर्ष का नारा था, द यूकरिस्ट यूवांजलाइजेशन एंड द मिशन। और जाते हैं हमारे जुबली वर्ष का नारा और आज का इस कार्यक्रम। हम विशेष रीति से पवित्र यूकरिस्ट को धूमधाम से मनाए और पवित्र कम्युनियन को, पवित्र सारकम को हम लोग जुलूस में निकाले। और ये मिल जाते हैं संत पिता फ्रांसिस का मिशन संडे का संदेश के साथ। मिशन संडे का हिस्सा बीत चुके हैं, उसके लिए संत पिता ने सारे दुनिया भर के कैथोलिक किसान भाई बहनों के लिए एक चिट्ठी हर साल के जैसे लिखे थे। उसमें उसका मुख्य विचार था, गो एंड इनवाइट एवरीवन टू द बैंक्वेट। गली गली के नुकड़े नुकड़ों पर जाओ और तुम जिसे भी पाओगे विवाह की दावत पर बुला लाओ। यही था संत पापा का नारा दिया है मिशन संडे का। माने हम लोगों को पिता ईश्वर प्रभु येशु क्रिस्ट में हर दिन हर जगह हर देश हर जाति हर जनजाति के बीच में हम लोगों को बड़ा भोज के लिए बुला रहे हैं। एक दिन के लिए नहीं, आनंद काल तक 7 दिन के लिए। क्या भोज है? जो येशु क्रिस्ट ने ठहराया है। कैसा येशु क्रिस्ट ने ठहराया? येशु क्रिस्ट ने हम मनुष्य जाति के लिए अपना बड़े प्रेम को दिखाने के लिए अपना जीवन को निछावर कर दिए, बहुत कष्ट सहे, दुख सहे। उसके बाद उन्होंने क्रूस पर ठंगा गया, मर गया, मगर जी उठे 7 दिन जीने के लिए। अभी भी आज के लिए भी अभी भी हमारे बीच में है ये प्रभु येशु जो जी उठे हैं, मुक्ति का कार्य संपूर्ण किए हैं। वही प्रभु अभी भी हमारे बीच में आज भी है, इस क्षण है, इस वक्त में हमारे बीच में है। हर पवित्र यूकरिस्ट वही वैसा भोज है। हर रविवार हर दिन हमारे बारिश बारिश में गिरजा गिरजा में भाई बहनों को इकट्ठा करते हैं। क्या के लिए? ईश्वर का दिया हुआ एक बड़ा भोजन के लिए। भोजन का मतलब क्या है? हम लोग सब खा पी करके संतुष्ट होंगे और हम खुशी से अपने अपने घर वापस जाते हैं। पवित्र यूकरिस्ट लोहा का भोज के जैसे है। और प्रभु क्या के लिए हम लोगों को बुलाते हैं? प्रभु भोज में बहुत सारी बातें। सबसे पहले प्रभु हम लोगों को अपना वचन सुनाते हैं, हम लोग सुनने पाते हैं ईश्वर का वचन, ईश्वर की शिक्षा हम सुनने पाते हैं। आप पुरोहित नहीं तो उसका जगह लेने वाला व्याख्या देते हैं, हमको समझा देते हैं अभी आज का इस क्षण के लिए इसका क्या मतलब है। उसके बाद हम लोग अपने निवेदन को चढ़ाते हैं और हम दान चढ़ाते हैं। हमारे जीवन के हर दुख तकलीफ कष्टों को हम प्रभु के पास चढ़ाते हैं, साथ साथ हम हमारे बीच में जो गरीब है उनको भी याद करते हैं, चढ़ाते हैं। फिर हम धन्यवाद का प्रार्थना पुरोहित के ओठों से कहा जाते हैं, धन्यवाद का प्रार्थना सुनेंगे, एक साथ हम कहते हैं। या वो धन्यवाद का प्रार्थना के बीच में रोटी और दाकरस येशु क्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा आश्चर्य काम, अचरज काम, बहुत बड़ा सा क्या है? वेदी में रोटी और दाकरस का येशु क्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाते हैं। वही उससे भी बढ़कर नहीं तो उससे जैसे एक बड़ा आश्चर्य काम होते हैं। क्या है? जहाँ जो लोग पुरोहित के साथ एक साथ बैठते हैं उन लोग साथ क्रिस्त में एक शरीर और एक मन हो जाते हैं। हिंदी में जब हम लोग यूकरिस्ट प्रार्थना पढ़ते हैं विशेष करके तीसरा में पुरोहित दोहराते हैं, ताकि हम सब पुरोहित के साथ जितने भाई बहन लोग उपस्थित हैं हम लोग सब मिल करके एक शरीर और एक मन, एक तन और एक मन हो जाए। इसलिए ये भी है हमारा धर्मशास्त्र थियोलॉजी ईश शास्त्र सिखाता है। क्या है? येशु क्रिस्त का शरीर न केवल रोटी दाकरस में है लेकिन मिस्टिकल बॉडी, रहस्यात्मक बॉडी, बॉडी जिसका सिर येशु क्रिस्त है, हम सब उसका अंग है। वैसा महान कार्य हर यूकरिस्ट में परिपूर्ण हो जाते हैं। एक समान आज हमारे आदर का सम्मान को दूसरों के सामने दिखा दिया। संत पापा ने क्या कहा है? संत पापा ने कहा कि तुम लोग जाओ और
जो लोग अभी तक इस विभाग का बौद्ध में भाग लेने नहीं सके हैं, उनको बुला के ले आओ। अगले बार जब तुम लोग आओगे तो जो लोग इस भोज में बैठने नहीं पाया उनको बुला के ले आओ। ये था मिशन परिवार में संत पापा का दूसरों को लाने का, ये बहुत बड़ी एक मिशन है हम लोगों के लिए। काम संत पापा दिया करते हैं, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि शायद लोग ही इस भोज में बुलाए जाने चाहते हैं। लोग नहीं जानते हैं क्या हम तक आने सकते हैं, नहीं आने सकते लगा कि नहीं। बैठने से हम लोगों को भी इक्वालिटी एक समान हम लोगों को भी स्वागत करेगा कि नहीं, हम लोग भी इस भोज का एक टुकड़ा हम भी पावर पाएगा कि नहीं, ऐसे अनेक सा सोचे होगा। ये संत पापा कहते हैं आना नहीं आना दूसरों की बात है, लेकिन बुलाना हमारा दायित्व तो है। बन जाते हैं, हम तुझे सराहते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं और प्रभु ऐसे हम तेरे आशीर्वाद मांगते हैं। हम सबों का दिल में आकर पास ले ले, हमारा परिवारों में तू राजा होकर आके पास कर ले, हमारे गांवों में, हमारे प्रत्येक व्यक्ति में, ट्राइब्स में और पूरा अरुणाचल प्रदेश में प्रभु तू मालिक होकर राजा होकर के तू राज कर, वास कर। हम सबों के लिए शांति और एकता, मेल प्रेम और एकता की कृपा तू प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पीस के द्वारा, आमीन।